और जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया। राजनीति की मॉनिटरिंग करते रहे राम माधव जी, सरकार बनवाने में भी आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये सिचुएशन जो है, ये स्थितियाँ जो हैं, चुनाव की तरफ कब तक माने कि नॉर्मलसी तक आ जाएगी, क्योंकि चुनाव होना काफ़ी मायने रखता है उस राज्य में जनता को वोट का अधिकार देने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए। पहली प्राथमिकता की पूरे राज्य के अंदर इस निर्णय का सही जानकारी लोगों को मिले, और सब लोग वैसे जम्मू में और लद्दाख में इसका बहुत हर्ष और उत्साह के साथ स्वागत हुआ है। उधर कारगिल में और कश्मीर घाटी में भी लोग इसको शांति से समझने का कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। और दूसरा, विकास के अनेक बड़े बड़े कदम उठाकर इसका जो फायदा है, इस 370 धारा हटने का जो फायदा है वो लोगों तक स्वयं पहुंचे, उसका भी प्रयास होगा। रही चुनाव के बाद जो बिल पारित हुआ राज्य को दो भाग में बांटते हुए, उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को डिलिमिटेशन एक्सेस में उसको पूरा करने का एक विषय उसमें बोला गया है। तो इस डिलिमिटेशन के अंतर्गत उस राज्य में अब 90 विधानसभा के सीट बनेंगे, 24 POK में रहेंगे, वो तो भरेंगे नहीं, बट जम्मू कश्मीर का जो नया राज्य बनेगा उसमें, नया UT बनेगा उसमें 90 असेंबली सीट्स होंगे। उसके लिए डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में 83 सीट्स है, उसको 90 करना है। इसके लिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा। जैसे ही वो अक्सर संपन्न होगा, मुझे लगता है कि फिर चुनाव की प्रक्रिया उसके बाद प्रारंभ होगी। POK को छोड़ दें तो एक अखंड भारत का सपना एक मोटा मोटी पूरा हो गया राम माधव जी, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश, चाइना जैसे देश, अमेरिका जो मध्यस्थता की बात कर रहा था, आपको लगता नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछाल दिया जाएगा भारत के खिलाफ? किसी और देश को इसमें कोई लोकस स्टैंड नहीं है, ये भारत के संविधान का अपना सार्वभौम अधिकार है, उसका उसके अंदर जो परिवर्तन करना है पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र में आता है। अभी तक 370 को 45 बार कम से कम उसके अंदर चेंजेस लाया गया, तब तो हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ी पूछा था। कश्मीर हमारा है, हमारे धारा 370 हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, उसके अंदर जो परिवर्तन करने वो हमारा अधिकार है, सार्वभौमिक अधिकार है। और जहाँ तक पाकिस्तान का प्रयास इसको इंटरनेशनल करने का है, वो अभी तक तो सफल हुआ नहीं। ना UN ने माना है कि इंटरनेशनल इशू है, ना US ने कोई तवज्जो दिया है, रशिया ने साफ बोल दिया कि इंडिया का इंटरनल मैटर है, चाइना ने भी कुल मिलाकर उसी भाषा में बोला है, चाइना कुछ दूसरा मुद्दों को लेकर अपना आपत्ति जताई, पर इस मुद्दे पर चाइना भी लगभग इसी मत का है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरनेशनली पाकिस्तान कितना भी प्रयास करे ये मुद्दा बन पाएगा। हम दुनिया में हमारी डिप्लोमेसी के माध्यम से हम भी इस बात को समझाएंगे। राम सर, आखिरी में एक दो छोटे सवाल। बड़ा एक सपना था BJP के नेताओं का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, कि वहाँ भगवा झंडा फहराए। क्या इस डिमिलिटेशन के बाद जो चुनाव होंगे, क्या माने कि BJP का मुख्यमंत्री होगा? आपकी तैयारी उसी दिशा में है? हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि जैसे देश के तमाम राज्यों में आज भाजपा की सरकारें हैं, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी BJP लेड गवर्नमेंट जरूर बने, BJP नेतृत्व वाली सरकार बने, इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। उम्मीद अब पूरा उम्मीद है हमको। वैसे इस बार जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी वो BJP लेड गवर्नमेंट बनेगी, BJP शासित सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, 15 अगस्त को एक ऐलान हुआ था कि सारे पंचायत के स्तर पर झंडे फहराएंगे भारत के, क्या वो प्रोग्राम आप लोगों का स्टैंड कर रहा है? अब हम जरूर देश भर में इस आज़ादी के उत्सव को जोर शोर से मनाएंगे। खासकर कश्मीर में आपने बात, इसी प्रकार कश्मीर के अंतर्गत भी वहाँ का प्रशासन जो भी निर्णय करेगा, सभी पंचायत जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ सभी पंचायत में भी राष्ट्रध्वज को फहराने का कार्यक्रम वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा उस प्रकार संपन्न होगा। हमारे पार्टी की तरफ से भी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, हमारे पार्टी कार्यालयों के अंदर भी सब जगह सब दूर राष्ट्रध्वज का फहराने का कार्यक्रम होगा। धन्यवाद राम माधव जी। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।